दोस्तों एक बार फिर से मैं आ गया हूँ सेक्टर 12 फरीदाबाद में, जहाँ लगा हुआ है एक और ट्रेड फेयर। ये इसका एंट्री गेट है, आप ये देख सकते हैं। और एंट्री करने से पहले मैं यहाँ की पार्किंग के बारे में भी आपको बता दूँ कि कार की जो पार्किंग है वो 30 रुपये है, और बाइक की जो पार्किंग है वो 20 रुपये है, और अलग से हेलमेट रखना हो तो उसके 10 रुपये लगते हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है अलगंदा मोड़ और बाटा चौक। और यहाँ की टिकट की अगर बात करें तो ये इसका काउंटर है, और यहाँ से आप 30 रुपये की टिकट पर हेड ले सकते हैं। तो चलिए अब अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पहले वाला जो ट्रेड फेयर लगा हुआ था वहाँ जो चीज़ें थी और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कितनी सिमिलर हैं और कितनी अलग हैं, ये अंदर चल के पता चलेगा। तो चलिए मेरे साथ और करते हैं इसको एक्सप्लोर। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद वहाँ का जो व्यू है कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अलग अलग स्टॉल कुछ इस तरह के लगे हुए हैं और खाने पीने के भी स्टॉल हैं, तो काफ़ी कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकूँ, क्योंकि लगभग एक जैसे ही ट्रेड फेयर होते हैं। पहला स्टॉल आप देख सकते हैं ये है, जहाँ पर विंटर कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्वेटर हैं ये अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कलर में, और ये 150 रुपये का एक है, बिल्कुल न्यू है। और 300 रुपये में आप दो यहाँ से ले सकते हैं, अलग अलग साइज में अवेलेबल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और एक स्टॉल ये है जो कश्मीरी स्टॉल है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी वैरायटी भी है इनके पास, लेकिन काफ़ी जो रेंज है वो 1500-2000 इस रेंज की चीज़ें होती हैं। और ये है एक स्टॉल जहाँ पर 350 रुपये में लेडीज़ पर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी वैरायटी है इनके पास। और लेडीज़ पर्स के अलावा यहाँ पर कुछ जेंट्स के लिए भी हैं कुछ पर्स, ये आप सामने देख सकते हैं, ये वॉलेट हैं, और इसके अलावा कुछ बेल्ट भी हैं इनके पास। बेल्ट कितने वाली हैं? बेल्ट अलग अलग प्राइस है, 300 से स्टार्टिंग है, 650 का अलग है। अच्छा, इधर लगी है ब्रांड अरमानी, गुच्ची और भी हैं। और ये जो कलेक्शन आप सामने देख रहे हैं ये 200-200 रुपये में यहाँ पर लगी हुई है, और भरमार है, मतलब 100 रुपये से यहाँ पर विंटर कलेक्शन मतलब स्टार्ट है, और 150, 200, 250, 300 मतलब 500 रुपये से ऊपर की रेंज बहुत कम देखने को मिलेगी, और इस रेंज में बहुत है, क्योंकि विंटर कलेक्शन अब ख़त्म होने वाली है, उसके बाद समर का जो सीज़न है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी ये कुछ निकाल भी रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ये 400-500 रुपये की रेंज में है, और काफ़ी सारे साइजेस और कलर यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं कुछ फीमेल के लिए कलेक्शन है, और ये 300, 350, 400, 450 तक की रेंज में है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके अलावा आपको कुछ कारपेट भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं, और स्टार्टिंग की बात करें तो 100 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है, और अलग अलग रूम के लिए आप यहाँ पर ले सकते हैं। एक आपको एक काका क्रॉकरी हाउस यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इनका, 450 रुपये के जी के हिसाब से आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर एक सेट बना सकते हैं, डिनर सेट हो सकता है या कोई और सेट हो सकता है, कोई भी प्लेट, कोई भी चम्मच, कोई भी बाउल, कोई भी आप ले सकते हैं, 450 रुपये के जी के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास। इसके अलावा एक ये स्टडी टेबल भी आपको यहाँ मिल जाएगी जो 500 रुपये में है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बच्चों के लिए यूज़फुल है काफ़ी। और इसी शॉप के साइड में आपको ये भूत बंगला भी यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। और ये कुछ और कलेक्शन है, 200 रुपये से स्टार्टिंग है विंटर वाली, तो यहाँ पर जैकेट्स हैं और ये कुछ इस तरह की कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और भी बहुत सारी वैरायटी, काफ़ी सारे स्टॉल आपको यहाँ पर कपड़ों के ही देखने को मिलेंगे, लगभग 40-50% जो स्टॉल हैं वो कपड़ों के ही हैं। इसके अलावा कुछ लेडी सूट भी हैं जो 500 रुपये और 1000 रुपये की रेंज में हैं, ये सामने लिखा भी हुआ है, और क्वालिटी की बात करें और डिज़ाइन की तो कुछ इस तरह के हैं। इसके अलावा कुछ और सेल देखने को मिली हमें जो 100 रुपये में हैं, और क्वालिटी और वैरायटी आप सामने देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो बच्चों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर झूलने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये आप सामने देख सकते हैं, ये ड्रैगन ट्रेन है, इसमें बड़े लोग भी बैठ सकते हैं और छोटे लोग भी,
और इसी के साथ एक ट्रेन ये भी है जो छोटी वाली जो बच्चों के लिए ही है सिर्फ। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ चश्मे भी देखने को मिलेंगे जिसकी रेंज 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर हम लेडीज़ कुर्ती की बात करें तो 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है। डिज़ाइन और क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलेगी आपको, ये आप और भी देख सकते हैं कलर, ये सब 100-100 रुपये में है यहाँ पर। एक कलेक्शन ये भी देखने को मिलेगी आपको जो 100 रुपये में स्टार्ट हो जाती है और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए चीज़ें मिक्स हैं। और ये 150 रुपये में जीन्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इसमें कुछ कॉटराइज भी हैं और जीन्स भी हैं, ये 150-150 रुपये में है, बहुत कम बची हैं, हो सकता है जब तक आप जाएँ शायद ये ख़त्म हो जाएँ, लेकिन क्वालिटी 150 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। और ये 200 रुपये में कुछ और कलेक्शन है, यहाँ पर काफ़ी सारी रेंज है, 200, 250, 100 रुपये, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लोअर गर्म लोअर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये 300 रुपये में है, इसमें हुडीज़ भी कुछ मिक्स हैं, ये फर लगी हुई है कुछ जैकेट्स के अंदर, ये डेनियम में है। मैंने आपको बताया था कि 500 की रेंज से ऊपर 2-3 स्टॉल ही मिलेंगे, जैसे एक ये है 600 रुपये में, लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी है 600 रुपये के अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस वाले स्टॉल को आप विज़िट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपको यहाँ पर 600 रुपये में मिल जाएगी। और कुछ कलेक्शन ये भी है, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो ये 600 की नहीं है, ये 350 रुपये की है, लेकिन वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और एक स्टॉल ये है जो हर माल 20 रुपये में यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर छोटी छोटी एसेसरीज हैं, कुछ बच्चों के लिए भी हैं, कुछ बड़ों के लिए भी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे डेली यूज़ में बहुत काम आती हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएंगी जो गाड़ी को साफ़ करने के लिए, पेड़ों में पानी देने के लिए या कुछ क्लीनिंग के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये 20 रुपये में नहीं है, इसकी जो रेंज है वो अलग अलग है। और ये देसी दवाइयों का स्टॉल भी एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ इस तरह के स्टॉल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जैसे आपको किसी की रिंग पे नाम लिखवाना हो, या फिर ये कुछ मंगलसूत्र हैं आर्टिफिशियल होते हैं जिनका हम कहते हैं ना कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन जो शौक है वो पूरा हो जाता है, तो इस तरह की रिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये है कुछ अपने चॉइस का, अगर नाम लिखवाना हो या की रिंग की मैं जो बात कर रहा था वो उस पर नाम लिखवाना हो, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अलग अलग स्टॉल हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो ये एक स्टॉल है जहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न ये मिल जाएगा, ये 50 रुपये की रेंज में है। और ये है चाय, जो तंदूरी चाय के नाम से मिलती है, बहुत फेमस है, ये कुल्लड़ में मिलती है, जो टेस्ट थोड़ा सा इसका अलग हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये है मूंग के लड्डू, जिनको हम राम लड्डू के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, और ये एक और कलेक्शन देख सकते हैं आप 300 रुपये में, जो मेल के लिए है, और काफ़ी सारी वैरायटी है, 100 रुपये में भी है, 200 में भी है, मेल फीमेल सब ये मिक्स हैं यहाँ पर, लेकिन विंटर कलेक्शन बहुत है। और ये 100 रुपये के 3 प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं, ये क्लीनिंग के लिए हैं, हैंड वॉश के लिए भी हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी, तो ये भी आप जो स्टॉल है विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खाने के जो स्टॉल हैं वो कुछ इस तरह के हैं, जिसपे ये लेमन सोडा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा के अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं जो आप ये सामने देख रहे हैं। ये टिक्की है, और टिक्की है तो गोलगप्पे भी ज़रूर होंगे, दही बल्ले भी होंगे, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये सब तरह की चीज़ें हैं, गोलगप्पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं गोलगप्पे को, आप सामने देख सकते हैं। और यह है शकरकंदी की चाट, और यह है लिट्टी चोखा, इसको भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और यह है कॉटन कैंडी, जो बच्चे काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा आपको ये कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर मिल जाएगी, और इसी के साथ आप यहाँ पर चाउमीन को भी एंजॉय कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये वाले कुछ स्टॉल हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो लगभग सभी ट्रेड फेयर में होते हैं, और इसमें बॉल डालनी होती है सामने, तो कुछ इनाम जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये है रिंग वाला, जो हमेशा आपको देखने को मिलता है हर जगह,
और इसके अलावा बात करें तो बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले भी हैं, छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, आप सामने देख सकते हैं। और बड़ों और बच्चों के लिए एक गेम ये भी है जिसमें एक नंबर बनाना होता है, टोटल जो नंबर बनता है मिला के, और उसके बेस पे आपको जो प्राइज इन्होंने रखा होता है उस नंबर का, वो आपको मिल जाएगा। और मेले के एक साइड में एक ये स्टेज भी मिलेगी जहाँ पर लोग म्यूज़िक पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ एक दो स्टॉल और भी हैं जहाँ आपको कुछ एंटिक्स कुछ चीज़ें मिलेंगी छोटी छोटी, जो आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप अचार के शौकीन हैं तो आपको ये मारवाड़ी अचार ही अचार की एक स्टॉल मिलेगी जहाँ पर खट्टा मीठा हर तरह का अचार आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी लोग यहाँ से परचेज भी करते हैं। ये कुछ बीकानेर के नाम से यहाँ पर नमकीन भी है, यहाँ से आप पहले टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से टैटू भी बनवा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको मेन गेट के पास ही एक स्टॉल ये भी मिल जाएगा जहाँ पर ये अलग अलग तरह की मतलब खुशबू के लिए भी चीज़ें यूज़ होती हैं, मच्छरों को भगाने के लिए भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके लिए अलग से लिक्विड कोई डालना पड़ता है, तो ये भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गेट के पास ही ये मीठे पान का स्टॉल है जो अलग अलग फ्लेवर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस मीठे पान के साथ ही इस वीडियो का एंड करते हैं, और मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो और ट्रेड फेयर आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।